नरवर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोग आज भी मुआवजा को लेकर मोहताज। मूसलाधार बारिश की वजह से क्षेत्र में आई बाढ़ से कई गांवों में गरीबों से लेकर आम लोगों के घर तबाह हो गए। नदी नालों के उफान के कारण घरों में पानी भर गया। इसकी वजह से लोगों के मकान बह गए। गांवों में कच्चे घरों को काफी नुकसान हुआ। मकान के साथ लोगों की गृहस्थी बाढ़ में बह गई। ऐसे में प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को मिलने वाली मदद ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। बाढ़ पीड़ित प्रशासन को बार बार आवेदन देकर उचित आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। नरवर तहसील के सबोली पंचायत के शिशुपाल आदि ने SDM के नाम आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने मुआवजा राशि वितरण में हुई गड़बड़ियों को लेकर शिकायत की। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में आई बाढ़ के कारण 3 कच्चे मकान रह गए। इसमें रखा अनाज और जरूरी सामान नष्ट हो गया। नदी में सामान बह जाने के कारण और घर गिर जाने के कारण वो बेघर हो गए। उनका मकान के साथ पानी में बह गया। इसमें करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने पटवारी नरेंद्र जाटव पर गलत सर्वे के आरोप लगाए, जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उन्हें भी मुआवजा दिया गया। उन्होंने आवेदन देकर मांग की है कि उसका उचित मुआवजा दिया जाए। शिशुपाल के अलावा गांव में कई पीड़ित परिवार हैं जिनका नुकसान हुआ है और मुआवजा नहीं मिला। नुकसान सब सब बाढ़ में चले गए, सब बह गए, गेहूँ बह गए, मकान पक्का टूट गए, दीवाले गिर गए। पटवारी वगैरह ने सर्वे नहीं किया? कुछ सर्वे नहीं करी, कर ले गए सुनाई नहीं भाई, कुछ कुछ नहीं। अभी तक राशि नहीं आई? नहीं। तो अपने तुमने शिकायत नहीं की कहीं तहसील वगैरह? नहीं, शिकायत में कहा करी, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा था। पंचायत कौन सी पड़ी? ये सावली पंचायत है। तहसील वगैरह के पास गए थे? इन गए भगादौड़ी करी, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा हूँ। तो बोला क्या उन्होंने? उन्हें तो यही बोला है साहब, सब है जाओ, सब है जाओ, गुमराह करे रखे। अभी तक कोई लावा सभी को नहीं मिले कि आपको नहीं मिले मुआवजा? नहीं, किसी को नहीं मिले कि कब कब को मिल गए। तने रिश्वत विश्वत दे दी वही, इतने हमसर ये गरीब आदमी, उन्हें रिश्वत विश्वत नहीं दी तो हमें कहाँ मिलनी चाहिए? बिना रिश्वत के नहीं, अभी तक नहीं मिले। नहीं, बाढ़ में नुकसान क्या क्या हुआ था आपको? मकान भी टूट गया और गेहूँ भी। मकान कौन सा टूटा है? मकान यही टूटे है जिस पीछे वाला, जो आपका मकान पिछला है, जो मकान टूट गया। मकान टूट गया है और जो खत्म हो गया 4-5 मकान। और नुकसान वो सर्वे वगैरह के लिए नहीं है कोई? सर्वे वगैरह किसने नहीं किया? मवेशी भी चली गई दो। कौन मवेशी का? भैंस वगैरह? हाँ, भैंस चली गई दो। दो और नुकसान के लिए भरपाई नहीं हुई तक? कोई भरपाई नहीं भाई, पसेरी गेहूँ मिले है बस। आवेदन नहीं दिया? आवेदन लगाते सी में पटवारी ने भी दिया, पटवारी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और इसके बाद और आगे की शिकायत नहीं की? शिकायत करी ना। हाँ, फिर सुनवाई भी नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? डरगुआ। कौन सी पंचायत है? सावली। गांव कौन सा? सावली गांव। सावली गांव। नुकसान क्या क्या हुआ था? नुकसान जो हुआ बाढ़ से, कुछ खावे को अनाज भी नहीं बचा, मकान भी बह गए, न कपड़ा बचे, न लत्ता बचे, कुछ भी नहीं बचो। हाथ पाँव से रह गए। और शासन से अभी मुआवजा? शासन से कुछ नहीं, 10 को दाए हमें और कुछ नहीं दिया, ना कपड़ा दाए, ना लत्ता दाए, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, एक महीना से जाना हो गया। मुआवजा वगैरह नहीं मिला? नहीं, कहते कुछ नहीं मिलो। और आपने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत करी जिन ने, कोई नहीं सुनी, सुनवाई भी नहीं हुई? नहीं भाई, सुनवाई। और लगभग कितने लोग पीड़ित होंगे गाँव में? गाँव में हुआ है 20-25-30 लोग। सर्वे वगैरह के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं आया। नहीं आए। क्या नाम आपका? शिशुपाल। कौन सी पंचायत में? सावली। बाढ़ में नुकसान क्या हुआ था? 2500 क्विंटल गेहूँ थे, नदी में बह गए, अभी खराब डरे हुए कछु बचे हैं तो। और लालाजी ने कोई इनकार यही नहीं करी हमारे। क्यों नहीं करी? नस्बत दे देंगे तो कर देंगे। रिश्वत मांग रहे? हाँ, नस्बत मांग रहे। पटवारी कौन है? नरेंद्र सिंह पटवारी। नरेंद्र? हाँ। तहसील में शिकायत नहीं करी? शिकायत करी थी, कुछ कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर इसके बाद में ना मुआवजा मिला अभी तक? कुछ नहीं। कमलेश। कौन से मंदिर पर रहते हैं? यहीं सागोली रहता हूँ। सागोली। बाढ़ में नुकसान क्या हुआ था? बाढ़ में सब बह गया, यहाँ जो था सो सब चला गया। मकान वगैरह? मकान वगैरह सब गिर गए, बगल में साइड में मकान थे। वो पर सर्वे वगैरह नहीं हुआ? सर्वे वगैरह हुआ था, एक कोई पटवारी है जाटव यहाँ के, सर्वे तो कर ले गया था, लेकिन मुआवजा नहीं आया अभी तक? कुछ नहीं। आपने कहीं कोई मुआवजा? एक पैसा नहीं। और जो बता दिया कि पटवारी बोल रहा था कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, पटवारी बोल रहा था? हाँ, वो यहाँ का है, नरेंद्र जाटव के नाम से। क्या रिश्वत वगैरह मांग रहा था? हाँ, रिश्वत मांगता है। रिश्वत मांग रहा जी?